आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होम फर्स्ट फाइनेंस के Q1 के रिजल्ट्स के बारे में। उससे पहले वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो कीजिएगा लाइक, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करें होम फर्स्ट फाइनेंस के Q1 के रिजल्ट्स की, तो ये रहा होम फर्स्ट फाइनेंस का चार्ट। यहाँ पर आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे रिजल्ट्स। और डिविडेंड की बात करें तो एज सच कोई डिविडेंड तो दिया नहीं है कंपनी ने। रिजल्ट्स की बात करें तो ये रहे रिजल्ट्स, अच्छे के लिए कैसे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। ये है इनके अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट, सारे ही फिगर्स आपको रुपीज़ इन मिलियंस में आते हुए देखने को मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें टोटल इनकम की, 1500 लास्ट क्वार्टर, 1400 लास्ट ईयर सेम पीरियड में 1000। एक्सपेंसेस प्रोपोर्शनेटली बढ़े हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड का निकल के आया है 459, लास्ट क्वार्टर 448 था, लास्ट ईयर 159 था। तो वाई एन वाई तो शानदार ग्रोथ है, क्यू ऑन क्यू भी अच्छी ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिली है। डिस्क्लोजर दे दूँ, ये शेयर मेरे पास IPO टाइम से मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है, मैंने इसको बेचा नहीं है, ये मेरा डिस्क्लोजर है। और इसका मेरा टारगेट अगर मैं बात करूँ तो ₹1000 का होएगा। EPS की भी अगर मैं बात करूँ तो 20 की EPS सालाना EPS निकल के आ रही है, तो अच्छा शेयर है। नेक्स्ट बजाज फाइनेंस, मुझे लगता है ये रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हाँ IPO टाइम से है और IPO में जितने आए थे वही शेयर्स हैं और मैंने मार्केट से ख़रीदे नहीं है। IPO प्राइस के IPO टाइम से ही मेरे पास ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में पड़ा है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को कीजिएगा लाइक।